राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती से लेकर 19 दिसंबर को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस तक स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके संबंध में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के प्रांत संयोजक प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने बताया कि देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजन में विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती से लेकर 19 दिसंबर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस तक यह उत्सव मनाया जाएगा, जिसके कार्यक्रमों की रूपरेखा गोरक्ष प्रांत द्वारा तैयार की गई है। इसमें तिरंगा यात्रा, भारत माता का पूजन, सामूहिक वंदे मातरम का गायन, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज के बलिदानी वीरों की गाथा बताने, इंटर डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताओं व विचार गोष्ठियों के आयोजन जैसे कार्यक्रम होंगे तथा देश की स्वतंत्रता एवं देश के लिए बलिदान हुए अमर सपूतों के स्मारकों पर दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रांत, जिला, खंड, नगर पर अमृत महोत्सव आयोजन समिति का गठन किया गया है तथा इन समितियों के द्वारा हम गांव-गांव जाएंगे और वंदे मातरम गाएंगे का वृहद आयोजन होगा। इस अवसर पर स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के प्रांत संपर्क प्रमुख डॉक्टर संजीत गुप्ता, प्रांत प्रचार प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वाधीनता अमृत महोत्सव के प्रांत संयोजक प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने कहा, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रांत संयोजक स्वाधीनता का अमृत महोत्सव संयोजन समिति। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के संयोजन के साथ स्वाधीनता के 75वें वर्ष में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव ऐसे नाम से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका उद्घाटन 19 नवंबर 2021 से रानी लक्ष्मीबाई के शुभ जन्मदिन से प्रारंभ होकर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस 19 दिसंबर 2021 तक संपन्न होना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव-गांव जाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, भारत माता का पूजन होगा, तिरंगा यात्रा रथ यात्रा के साथ होगी और उस गांव में ऐसे कोई क्रांतिवीर जो गुमनाम है, अनजान है, जिसको इतिहास ने वह जगह नहीं दिया, जिसके वो हकदार थे, ऐसे सभी लोगों का चिन्हांकन, उनका सम्मान यदि हमारे बीच में है तो करना, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें सहभागिता की दृष्टि से सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों के साथ हम लोग ये कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। क्रियान्वयन ये कार्यक्रम ऐसे होगा, प्रांतीय समिति से लेकर जिला समिति, गांव तक, हमारे खंड स्तर तक ये कार्यक्रम संपन्न होना। ये कार्यक्रम गोरखपुर में होगा कि प्रदेश में? गोरक्ष प्रांत में पूरा होगा, करीब करीब शासकीय 19 शासकीय जिलों में, नहीं 10 शासकीय जिले, 10 शासकीय जिले और 21 संघ के दृष्टि से जिले हैं, 10 शासकीय मतलब शासन के रेवेन्यू के हिसाब से 10 जिले हैं, उसमें ये संपन्न होगा।